हाँ जी, तो आज हम जाने वाले कि कैसे बना सकते हैं हम एक फ्री वेबसाइट या फिर फ्री ऑनलाइन पोर्टफोलियो, क्योंकि गूगल ने हमें इसकी सुपर पावर दी है। तो अगर आपको दिखाना हो कि आपने क्या क्या काम किया, ये वैसे थोड़ा आसान हो जाता है, रिज्यूमे पढ़ने से ज़्यादा देखने में समझ में आता है। तो या ये रहा आपको ऑनलाइन पोर्टफोलियो, यहाँ पर आपका काम आराम से शोकेस बहुत अच्छे से हो सकता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंक लेसन, आवर शो वेयर वी टॉक अबाउट एजुकेशन दैट इज बिसाइड क्लासरूम। और आज देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं इस वेबसाइट को। जल्दी से राइट इन जंप करते हैं अपनी स्क्रीन पर, ऐसे कूदना नहीं है बट ठीक है। फर्स्ट इसको बनाना इतना ज़्यादा आसान हो गया जैसे कि आप कोई पीपीटी क्रिएट कर रहे हो। तो गूगल साइट्स के ऊपर आप आओगे, यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करोगे। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी थीम्स है जिसके ऊपर आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपना स्टूडेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आप कोई सर्विसेज बेचना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एक वेबसाइट बना सकते हैं, और यहीं पर ही आपको डोमेन नेम भी मिल जाता है। अगर आपको डोमेन नेम नहीं पता है, एक वेबसाइट को क्रिएट करने के 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनानी होती है, फिर उसका आपको एक डोमेन नेम खरीदना होता है जो कि .com/.in इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और फिर जब आपको एक .com/.in मिल जाता है, जैसे कि सपोज मेरा नाम सूरज शर्मा है, सो surajsharma.in या .com अगर कुछ आ जाता है, तो उसको होस्ट करने के पैसा देना पड़ता है, ताकि फिर हमें जब भी कोई सर्च करे तो हमारा भी वेबसाइट इंटरनेट पे दिखाई दे, ठीक है। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाया, ठीक है, जब आपको इसे अपलोड करना है तब आपको एक चैनल चाहिए जहाँ पर लोग आपको देखें, ठीक है। तो आप अपने चैनल का नाम रखते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ABC रख देता हूँ, ठीक है। तो ABC नाम का चैनल क्रिएट हो गया, ये है आपका डोमेन। अब इस चैनल को होस्ट करने के लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है, जो कि होगा youtube.com। तो इसके अंदर आप YouTube को मानो इंटरनेट, अपने चैनल को मानो अपना डोमेन नेम, और अपना वीडियो को मानो अपना वेबसाइट। ब्लैंक पेज से मैं जैसे ही शुरू करूंगा, मुझे पूछेगा कि क्या आपको कुछ थीम्स के साथ जाना चाहोगे क्या। तो मैं यहाँ पे थीम्स पे चाहे तो क्लिक कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैं अपनी थीम को चुन सकता हूँ कि मेरे को कैसी थीम चाहिए, ठीक है, अपनी स्टूडेंट प्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है। सपोज कौन सी चुन सकते हैं, इसमें से कौन सी बढ़िया लग रही है। सपोज मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं लिख देता हूँ इधर सूरज शर्मा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सब हेडिंग भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे इसका फॉन्ट भी आप आराम से चेंज कर सकते हो, इधर से आपके पास फॉन्ट का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। तो फॉन्ट मैं सेमी बोल्ड कुछ इसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे अपनी फोटो डाल सकते हो, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, डाल दो, बहुत बढ़िया बात है। और या फिर इसके अलावा आप इंटरनेट से भी कुछ फोटोज़ को पिकअप कर सकते हो। तो मैं इंटरनेट से एक बार सेलेक्ट इमेज करके करने की कोशिश करता हूँ। तो गूगल ने यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस दी हुई है, URL डाल सकते हो, इंटरनेट पे कोई भी इमेज पसंद आई वहाँ का URL इसके अंदर आप डाल सकते हो, चाहे तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी गूगल ड्राइव और एल्बम आ जाती है। तो मैं एक बार इधर ही लिख कर देखता हूँ, स्टडीज लिख के देखते हैं, ठीक है। अगर कुछ अच्छी सी मिल जाती है इमेज तो मेरे को ये बढ़िया सी लग रही है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फोटोज़ ऊपर नीचे करनी हो तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, इस हिसाब से मैंने कर लिए। अब यहाँ पे मैं वेबसाइट का अगर नाम भी लिख सकता हूँ, सूरज शर्मा। तो यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, अपलोड पे क्लिक करके आप, मैं बंक लेसन का ही लोगो डाल देता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर है हमारा छोटा सा प्यारा सा बंक लेसन का लोगो, उसको मैं ऐड कर देता हूँ, बंक लेसन वहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। और इसके नीचे आता है एक फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, अगर आप कभी भी किसी वेबसाइट को खोल कर देखते हैं तो जब भी टैब खुलता है ना तो उसके साइड में एक लोगो आता है छोटा सा, ठीक है। सपोज अगर यूट्यूब खोल के देखते हैं तो यूट्यूब का लोगो आता है, उस चीज़ को फेविकॉन कहा जाता है। तो उसके लिए हम कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, मैं ही बंक लेसन का ही लोगो डाल देता हूँ, तो ऊपर फेविकॉन में बंक लेसन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐड हो गया है, ठीक है। नेविगेशन के अंदर हम यहाँ पे अगर हमें इसे दिखाना हो वाइट करके, ब्लैक करके आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, ठीक है, इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट दे सकते हैं, ठीक है। और नेविगेशन में ये भी आता है कि क्या आप इसे टॉप पे चाहते हैं या फिर आप साइड पे चाहते हैं, जो कि मतलब आप चीज़ें ऐड करते रहेंगे। सपोज आप इसके अंदर पेजेस ऐड करेंगे कि आपके लिखे हुए आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, या फिर आपके लिखे हुए या फिर आपके किए हुए प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए अलग पेज आपने बनाया, तो वो भी इसके अंदर ऐड होता है। और पेजेस कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हम थीम से हट के सीधा इंसर्ट पे आ जाते हैं। इंसर्ट के अंदर आप अपने कॉन्टेंट को इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पर मैंने ये कॉन्टेंट ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर आप बहुत सारे कॉन्टेंट्स ब्लॉग्स है जिसके अंदर आप फोटोज से लेके, वीडियोज से लेके, आर्टिकल से लेके जो चाहे वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अबाउट मी, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे अपनी फोटो ऐड कर सकते हैं, मैं अपनी कोई फोटो ऐड करने की कोशिश करता हूँ जो आप मेरी ठीक सी हो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे क्रॉप भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा जूम भी कर सकता हूँ, अनक्रॉप मतलब बेसिकली पूरी फोटो आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर मैं एक लिंक को भी ऐड कर सकता हूँ, तो कोई भी अगर मेरी फोटो पर क्लिक करेगा तो मैं जो भी डिजायर्ड लिंक चाहता हूँ वो वहाँ पर जा सकता है, ठीक है।
तो इसको अनक्लिकेबल ही बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख लिया है और थोड़ा सा कंटेंट को चेंज कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर मैं अब चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड भी बदल सकता हूँ, सेम अपलोड या सिलेक्ट इमेज इसके हिसाब से आप कर लो। मैं सपोज मैं इसके अंदर कुछ बटन को ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेरा फेसबुक और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो ये हमने इसके अंदर अपने सोशल मीडिया भी ऐड कर दिए, जिससे हमको कोई अगर ढूंढना चाहे तो वो हमें यहाँ पे ढूंढ सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे अब हम और चीज़ों को ऐड करते हैं। तो मैं इसके अंदर डालता हूँ एक टेक्स्ट, ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये मेरा एक टाइटल है और इसके अंदर या इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले यूट्यूब वीडियो को ऐड करने की कोशिश करता हूँ, चाहे तो आप कुछ भी चीज़ें अपलोड भी कर सकते हैं, ड्राइव से लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बंक लेसन्स, ये हमने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे आ गया है हमारा बंक लेसन, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई मेक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बंक लेसन्स, जिसके ऊपर हमने काम किया है, ये हमारी एक छोटी हेडिंग हो गई है, ठीक है। इसको हम कुछ कलर बदल देते हैं, इसको हम नीला कर देते हैं। दिस हेयर, दिस इज बंक लेसन्स, यस, दिस गुड, दिस गुड। अब मैं इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट पेज ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना लोकेशन ऐड कर देता हूँ। सपोज मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं डाल देता हूँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। एंड मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। अब इसके अंदर अगर आपको एक सेकंड पेज ऐड करना है, तो यहाँ पर आप पेजेस पर आएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐड सब पेज, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर मेरे को आर्टिकल्स दिखाने की, मैंने किन आर्टिकल्स के ऊपर काम किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। मैंने क्लिक किया यहाँ पर और ये आ गया मेरा एक सब पेज, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा से वही आप इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। फोटो बदल सकते हैं अपने हिसाब से ही, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने आर्टिकल्स को ऐड कर दिया। आप चाहे तो किसी और तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर वही आपको इमेजेस, टेक्स्ट, टाइप कुछ भी डालना है, मतलब वही बिल्कुल डॉग जैसे चल रहा है यार। आपको जो ऐड करना है इसके अंदर आराम से इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर जब आप अपने होम पर वापस आते हो, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि आप आर्टिकल पे यहाँ से ऐसे जंप कर सकते हो, ठीक है। सपोज मुझे मेरा नेविगेशन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो मैं साइड में रख सकता हूँ, ठीक है। और साइड में होने की वजह से ये देखो आप कितना सुंदर हो गया। मैं यहाँ पे सीधा क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर ऐड कर आ जाऊँगा, विच इज़ वेरी ग्रेट, ठीक है। सपोज मेरी वेबसाइट आप इस तरीके से पूरी हो गई है और मैं तैयार हूँ इसे होस्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे बस पब्लिश पे क्लिक करूँगा। मैं बोलूँगा कि वेबसाइट का नाम क्या हो सकता है। देखो, अब इसके अंदर डोमेन नेम खरीदने के पैसे लगते हैं, होस्टिंग करने के पैसे लगते हैं, मगर आप एज अ स्टूडेंट अगर इसको फ्री में पाना चाहते हो, तो आपको sites.google.com लगेगा, ठीक है। और आप इसे बस शेयर कर पाएंगे लोगों को, ठीक है। तो sites.google.com के साथ मैं सूरज शर्मा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पब्लिश हो चुका है, मैं यहाँ पर इसे व्यू कर सकता हूँ। क्लिक किया मैंने व्यू पर और दिस इज़ माई वेबसाइट, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी, ये रही मेरी प्यारी सी छोटी सी वेबसाइट, जहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ वीडियोस को, देख सकता हूँ मैं वीडियोस को, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट है, ये मेरी पूरी वेबसाइट दिखाई देती है। यहाँ पे मैं इन चीज़ों पर क्लिक भी कर सकता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, तो ये रहा मेरा कॉलेज कैंपेन वेबसाइट, जितनी भी जिनके ऊपर भी हम काम कर चुके हैं, तो ये सब आप यहाँ पे चाहे तो क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप जाकर इसे आराम से देख पाएंगे। एंड अगर बात करें हम इसे होस्ट करने की, तो एज अ स्टूडेंट तो आपको वैसे होस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये ऑनलाइन पोर्टफोलियो है, तो आप इसे बस अपने रेज्यूमे के साथ भेज सकते हैं किसी को। इसी नोट पे खत्म करते हैं यार इस वीडियो को। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और ज्यादा स्मार्ट बनना है, तो यहाँ पर बंक लेसन की प्लेलिस्ट है, इधर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके जाना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।